छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महाधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ। कांग्रेस महाधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथ देश के लाखों लोग चले। यात्रा के दौरान मैंने लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा भी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 52 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरा घर नहीं है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमने घाटी के युवाओं से झंडा फहराया। यात्रा के दौरान कश्मीर के लाखों लोगों ने तिरंगा फहराया। कश्मीर में चारों तरफ तिरंगा फहराया गया। मैंने सुना कि लाल चौक पर प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया। पीएम ने भाजपा के 15-20 लोग के साथ जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों लोगों ने झंडा फहराया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ये बात समझ नहीं आई। राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी और अडानी एक हैं। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री और अडानी के बीच क्या रिश्ता है? देश का धन एक व्यक्ति के यहाँ जा रहा है। अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए हैं। भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ युवाओं के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी को आए और संबोधित करें। खारगे जी, सोनिया गांधी जी, भूपेश बघेल जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और जो लोग इस अधिवेशन को टेलीविजन पे अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, उनका भी मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ।